जी आज नतीजे आए, चार राज्यों के नतीजे आए, छत्तीसगढ़ का हमारा चुनाव हुआ, जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में हमारा अटूट विश्वास है। 5 साल पहले हमारी सरकार बनी और 5 साल से हमने, हमारी सरकार ने पूरी निष्ठा से छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा की, हर वर्ग के लिए, चाहे हमारे ट्राइबल बहन भाई हों, चाहे अनुसूचित जाति, किसान, मजदूर, महिलाएं, स्वयं समूह, युवाओं के लिए, हर तरह से, हर तरफ हमारा प्रयास रहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में सबको हिस्सा मिले। कहीं ना कहीं हम अपना ये संदेश जनता तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा पाए, नतीजों से यही लगता है। निराशाजनक जरूर हैं ये नतीजे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी हताश नहीं हुई। हमने चुनाव हारे भी हैं, जीते भी हैं। हार कर फिर खड़े होना, यही बहादुर योद्धाओं का काम होता है। हमारे वर्कर बहादुर योद्धा हैं, पहले भी उन्होंने इस तरह की चुनौतियों का सामना किया और आगे भी हम राहुल जी के नेतृत्व में, खाड़गे जी के नेतृत्व में हम लोगों की, गरीबों की, वंचित वर्गों की, जरूरतमंद लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, उनके हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अपना इस्तीफा माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपा है। 5 साल पहले जनादेश हम लोगों को मिला था और छत्तीसगढ़ की सेवा हम लोगों ने की, जितना बन सका, और अभी जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। और हम लोग चूंकि विपक्ष में हैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी, देखिए अब वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।